हेलो एवरीबॉडी, मैं पिंटू सर आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने लेक्चर 1 से लेकर के 7 तक टेंस और टाइम एंड टेंस की जानकारी हासिल की, हालांकि अभी टेंस और टाइम एंड टेंस के अंतर्गत कम से कम टाइम जो है कुछ टॉपिक्स बच रहा है जिसे आपको ध्यान से पढ़ना है। कल मैंने आपको टाइम में बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, स्ट्रक्चर्स बताए थे और साथ ही ये बताया था कि किस तरह से कौन सा स्ट्रक्चर्स, कौन सा एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जो एग्जाम का बोर्ड मॉडल पैटर्न है उसके क्वेश्चन पर भी मैंने चर्चा किया कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, कि अगर अगला पार्ट खाली स्थान है तो आपको पिछला पार्ट दिया रहेगा, या फिर अगर पिछला पार्ट दिया गया है तो अगला पार्ट खाली स्थान रहेगा, यानी कहीं पर भी खाली स्थान हो सकता है। तो मैंने कल ये भी चर्चा किया था कि पास्ट टेंस, तो पास्ट में अगर टाइम का यूज करते हैं तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं और किस तरह से क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए इसकी जानकारी हम आज के क्लास में लेते हैं। तो आज का जो क्लास में आपको बताया जा रहा है वो आपका है पास्ट। तो पास्ट में टाइम का किस तरह से प्रयोग करना है और टाइम के यूज करने के साथ कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजिंग आएंगे और कौन सा कॉम्बिनेशन किया जाएगा। तो देखिए, पास्ट में जनरली आपको यूज करना होता है भी टू का, जो इनडिफिनिट के लिए काम करता है, साथ ही साथ आपका भी थ्री भी रह जाता है जो यूज करना होता है कहाँ, पास्ट क्या, परफेक्ट में, यानी पूरे पास्ट में जो मैंने आपको पढ़ाया था उस पूरे पास्ट का प्रयोग अब हमको यहाँ पर क्या टाइम, यानी टाइम के साथ करना होता है। तो जिस तरह से मैंने कल के क्लास में ये आप लोगों को ये पढ़ाया कि कैसे प्रेजेंट टेंस में टाइम का यूज किया जाता है, ठीक उसी तरह से आज के क्लास में ये बताने जा रहा हूं कि कैसे पास्ट में टाइम का प्रयोग करना होता है। तो चलिए बच्चे, आई होप दैट कि आज का क्लास भी आप लोगों के लिए काफी रोमांटिक रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। तो चलिए इस क्लास को एंजॉय करें और नए नए ट्रिक सीखें ताकि आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आराम से बनाया जा सके। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आज का टॉपिक जिसका दिया गया हेडिंग नंबर 5, रूल नंबर 5, जिसमें दिया गया है यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट एंड व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, ये सारे बातें मैंने आपको बता चुका हूं। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी अब हमें यह पढ़ना है कि पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। इट मीन्स कि वी कैन से दैट कि व्हाट इज द यूज ऑफ भी टू, यानी भी टू कहां कहां यूज होगा, किस कंडीशन में होगा, ये सारे बात को देखना है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए पास्ट इंडेफिनिट का जो आपका रूल नंबर 1 है, पहला रूल, उसके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट रूल, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ खास टाइम दिया गया है, कंटिन्यूअस का कुछ टाइम है और परफेक्ट का भी कुछ टाइम है, ठीक उसी तरह से आज के क्लास में जो पास्ट का इंडेफिनिट है, मतलब जो भी टू है, भर का दूसरा फॉर्म, उसके साथ कुछ खास, कुछ इंपॉर्टेंट टाइम है जो अप्लाई किए जाते हैं। इट मीन्स कि वी कैन से दैट इफ द गिवन सम टाइम्स आर यूज इन द सेंटेंस देन वी ऑलवेज यूज ओनली भी टू फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो चलिए यहां पर आपको दिया गया है सबसे पहले रूल नंबर 1 में यस्टरडे, ध्यान दें, एक होता है टुमारो मतलब कल, एक होता है यस्टरडे, इसका भी मतलब कल, लेकिन दोनों में काफी अंतर है। अंतर यह है कि अगर टुमारो का प्रयोग करते हैं तो दिस इज डिनोटेड एज फ्यूचर टेंस एंड वी यूज यस्टरडे देन इट इज डिनोटेड एज पास्ट टेंस। तो पास्ट में यस्टरडे का प्रयोग हो जाएगा और फ्यूचर के लिए टुमारो का प्रयोग हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका यहां पर दिया गया यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल, यानी लास्ट कल, फिर यस्टरडे प्लस टाइम। अब यस्टरडे प्लस टाइम ये क्या है जरा समझे, जैसे मान लिया मैं बोलता हूं यस्टरडे मॉर्निंग यानी कल सुबह, यस्टरडे इवनिंग कल शाम, तो जो टाइम दिया गया है इस टाइम के बदले हम चाहें तो अलग अलग चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, बट यस्टरडे साथ में रहेगा। और देखिए आप, दिया गया है लास्ट प्लस टाइम, जैसे लास्ट इवनिंग, लास्ट मंडे, लास्ट जनवरी, तो ये सारा क्या हुआ, लास्ट प्लस टाइम, यानी टाइम के जगह पर इच्छा अनुसार या क्वेश्चन के अनुसार
मॉर्निंग, इवनिंग, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी भी यूज किया जा सकता है। फिर दे रहा है प्रीवियस प्लस टाइम, तो आप प्रीवियस की बात करें या स्टडी की बात करें, बात एक ही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है, या स्टडी प्लस टाइम या फिर प्रीवियस प्लस टाइम। तो यहां पर आपको दिया गया है मेनली चार चीज, एक स्टडी हो गया, स्टडी प्लस टाइम हो गया, लास्ट प्लस टाइम हो गया और प्रीवियस प्लस टाइम हो गया। तो इफ द गिवन सेंटेंस हैज फोर डिफरेंट मीनिंग्स देन वी ऑलवेज यूज ओनली वी टू इन द सेंटेंस। तो चलिए यहां पर समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से। क्वेश्चन अगर आई खाली स्थान सम चॉकलेट्स, अब देखिए यहां का क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं डॉट 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 कुछ चॉकलेट्स, अब कह रहा है कि ऑन लास्ट संडे, ध्यान दें आपका दिया गया लास्ट, तो ध्यान दें कि जो लास्ट है वो हर हाल में आता है पास्ट के इंडिफिनिट, अर्थात क्या लगता है भी टू। अब यहां पर इस पैटर्न पर जरा ध्यान दें कि कभी कभी सेंटेंस में लिखता है लास्ट प्लस टाइम, देखिए लास्ट आपका हो गया स्ट्रक्चर, अब प्लस टाइम, यानी यहां पर जो आपको संडे दिया गया है वो क्या कर रहा है टाइम को शो कर रहा है, तो क्या हो गया लास्ट प्लस टाइम। हम चाहें तो इसे लास्ट प्लस टाइम को यानी लास्ट संडे को संडे लास्ट भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो, लास्ट संडे हो या संडे लास्ट हो बात एक ही है, यानी लास्ट लगने के बाद टाइम आगे लगा हो या पीछे लगा हो, एनी हाउ वी यूज ओनली वी टू। तो यहां ऑप्शन क्या देख रहे हैं कि ऑप्शन आपका दिया गया है वाई खरीदना, तो जानते हैं कि जो वाई है उसका आपका जो वी टू है वो क्या बनता है बाउट, हालांकि भीतरी भी बाउट है, लेकिन मैं बता चुका था टेंस में कि अगर बाउट के साथ या बाउट के पहले कोई एक्जुलरी वर्ब हो तो हो जाता है भी थ्री, लेकिन यहां क्या अप्लाई कर रहा है आपको भी टू। तो यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि इस क्वेश्चन में आंसर जो भराएगा अब क्या हो जाएगा, यहां पर आपका आंसर जाएगा बाउट, यानी क्या बन गया फाइनली आई बाउट सम चॉकलेट्स ऑन लास्ट संडे या संडे लास्ट। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर दो की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है गांधी जी खालिस्तान इन 1948, अब ये देखिए ये कैसा टाइम हो गया आपका प्रीवियस, क्योंकि 1948 जो है आपका समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। सो इन द गिवन सेंटेंस है 1940 इज ए प्रीवियस टाइम देन वी यूज वी टू फॉर्म इन द सेंटेंस। क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी डॉट 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 इन 1948 और आपका ऑप्शन दिया गया है डाई डी आई ई जो क्या आपका भीवन है, तो मैंने बताया कि लास्ट हो लास्ट प्लस टाइम हो या प्रीवियस टाइम हो तो एनी हाउ आपको यूज करना होता है वी टू। तो बच्चों वी टू क्या होता है कैसे बनाया जाता है इस बात की जानकारी मैं टेंस के क्लास में पहले भी दे चुका हूं। तो डाई का वी टू होता है क्या डाइड डी आई ई डी। तो यहां मैंने क्या देखा कि जो क्वेश्चन में दिया गया 1948 उसके अनुसार आपके यहां क्या बनाया जाएगा यह आपका हो जाएगा डाइड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में डील करने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी कि कौन सा टाइम कहां पर ऐड किया गया है और उसी के अनुसार ठीक है अकॉर्डिंग टू द टाइम बी यूज भी 1 2 3 4 और 5 4। तो चलिए इस तरह से आज पास्ट का दिखाता है रूल नंबर टू। रूल नंबर टू क्या कहता है जरा समझे, कह रहा है कि द सेंटेंस ओके द सेंटेंस विच हैज स्टार्टेड विथ ओके द सेंटेंस विच हैज स्टार्टेड विथ इट इज टाइम प्रॉपर टाइम परफेक्ट टाइम रियल टाइम। आई रिपीट इट, वैसा सेंटेंस जिसका शुरू में यानी स्टार्टिंग इट इज प्लस टाइम या रियल टाइम या प्रॉपर टाइम या परफेक्ट टाइम, और इस क्वेश्चन को आप वीवीआई कर लें, ये क्वेश्चन अक्सर 12th के एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा जाता है। ठीक है तो ध्यान देंगे कि अगर कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड इट इज हो उसके बाद कोई टाइम लगा हो तो ऐसे पैटर्न में आपको हर हाल में वी टू का प्रयोग करना होता है, मींस पास्ट इंडेफिनिट। इट मींस कि वी कैन से दैट कि पास्ट इंडेफिनिट इज यूज्ड विद द सेंटेंस स्टार्टेड विद इट इज टाइम प्रॉपर टाइम परफेक्ट टाइम और रियल टाइम। तो यही आपको दिया गया है स्ट्रक्चर कि वैसा कोई सेंटेंस वैसा कोई स्ट्रक्चर जिसके शुरू में इट फिर आ जाए इज
और इट इज क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। और उसके साथ आपको टाइम हो या प्रॉपर टाइम हो या परफेक्ट टाइम हो या रियल टाइम भी हो सकता है। तो ऐसे पैटर्न के साथ जब भी करते हैं तो भी टू का प्रयोग। तो चलिए समझते एग्जांपल के द्वारा। जैसे आपका यहां पर एग्जांपल दिया गया है कि इट इज प्रॉपर टाइम, हो सकता है यहां पर सिर्फ टाइम रहे या परफेक्ट टाइम रहे या रियल टाइम रहे। ठीक है, द चाइल्ड, अब देखने में क्वेश्चन आ रहा है कि परफेक्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि यहां पर कुछ क्या लगा हुआ है, इज लगा हुआ है। लेकिन ऐसी गलती ना हो, मैंने बता दिया कि इट इज टाइम के साथ ऑलवेज भी टू। अब ऑप्शन आइए, ऑप्शन आपका दिया गया ड्रिंक, तो ड्रिंक का जो आपका भी टू होता है वो होता है ड्रैंक। इट मींस कि बी यूज ड्रैंक मींस भी टू फॉर्म इन द गिवन सेंटेंस, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बारीकी से समझें, इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करें ताकि आपका ये पैटर्न कंप्लीट हो सके। अब आते हैं रूल नंबर थर्ड की ओर, जो कि पास्ट इंडेफिनिट का ही है। यहां आपका दिख रहा है स्क्रीन पे डबल सेंटेंस। तो बच्चों डबल सेंटेंस मैं आपको टेंस में भी पढ़ा चुका हूं, और कल के पिछले क्लास में आपको टाइम एंड टेंस के अंतर्गत डबल सेंटेंस बताया था। तो ठीक उसी तरह से आज भी पास्ट के इंडेफिनिट में डबल सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी आपको जो मैंने पढ़ाया टेंस में, पास्ट के परफेक्ट में, ओके, पास्ट के परफेक्ट में दो सेंटेंस का पैटर्न को कंबाइन किया जाता है, ठीक उसी तरह से आज के पैटर्न में भी वही रूल्स, वही नियम जो टेंस बताया था कि कंबाइन कैसे करना था, फर्स्ट वर्ब के लिए हैड प्लस भी थ्री, सेकंड के लिए भी टू, वही पैटर्न को आज पढ़ना होता है। तो चलिए यहां देख रहे हैं कि डबल सेंटेंस वाले सेंटेंस में पहला वर्ग और आपका होता है दूसरा वर्ग, क्लियर। तो पहला वर्ग आपका हो गया हैड प्लस भी थ्री और दूसरा वर्ग आप जो आपका हो गया वो भी टू। यानी क्वेश्चन का पैटर्न है, समझे, अगर ट्रांसलेशन पूछता है तो अकॉर्डिंग टू द टेंस, इसे मान लिया जाए कि मेरे वहां पहुंचने के पहले दावत शुरू हो चुकी थी, हो चुकी थी, इट मींस पास्ट परफेक्ट। तो इसमें दो तरह के वाक्य हैं, तो पहला वाक्य हेड प्लस भी थ्री, दूसरा वाक्य भी टू। लेकिन अगर टाइम इंटेंस में पूछे क्वेश्चन तो फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा, तो इसमें भी वही रूल्स है कि अगर आगे हेड प्लस भी थ्री दिया गया है तो पीछे में क्या भरना होगा, ऑलवेज भी टू, नंबर वन। नंबर टू कि अगर पिछला पार्ट आपको भी टू दिया गया है और आगे ब्लैंक है, खाली स्थान है, तो क्या भरोगे, हेड प्लस भी थ्री, क्लियर। तो चलिए समझते हैं यहां पर एग्जाम्पल के माध्यम से। द पेशेंट, खाली स्थान, बिफोर द डॉक्टर, खाली स्थान। अब दो तरह का क्वेश्चन है कि हालांकि मैंने आपको यहां पर एक ही पैटर्न में समझा दिया, एग्जाम में ए पैटर्न पूछता है अगर खाली स्थान आगे है तो पीछे आपको ऑप्शन दिया रहेगा, अगर पीछे भरा हुआ है तो आगे खाली स्थान रहेगा, यानी एनी हाउ एक पार्ट दिया रहेगा, एक पार्ट भरना होगा। तो चलिए यहां पर देख रहे हैं पहला ऑप्शन डाई और दूसरा ऑप्शन क्या है, कम। ध्यान दें कि डाई और कम, तो जो ऑप्शन पहले हो वो पहले फिल इन द ब्लैंक्स के लिए है और जो ऑप्शन बाद में हो वो हमेशा बाद के लिए होता है। ऐसी गलती कभी ना करें कि पहले ऑप्शन को दूसरे में और दूसरे ऑप्शन को पहले में लगा, क्लियर। तो देखिए यहां पर डाई है और हमको जो फर्स्ट वर्क है वो क्या शो करना है, हेड प्लस भी थ्री। तो डाई का अगर हम चेंज करते हैं हेड प्लस भी थ्री फॉर्म, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहां पर हो जाएगा हेड और साथ में यूज करना पड़ेगा डाइड, तो क्या बन गया, हेड डाइड। दूसरे पार्ट में आते हैं, हम कम की बात करते हैं, तो कम को अगर हम चेंज करते हैं भी टू में तो क्या होता है आपका, केम, ओके। तो सेंटेंस क्या बन गया कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब डॉक्टर के आने के पहले, पहुंचने के पहले रोगी मर चुका था, क्लियर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं टॉपिक नंबर सिक्स, जिसका हेडिंग दिया गया है कि यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, रेगुलर, लेकिन पास्ट के फॉर्म में। कल मैंने आपको चर्चा किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और आज चर्चा करने जा रहा हूं पास्ट का कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो या पास्ट का कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस का मतलब रेगुलर वर्क ही होता है। अंतर सिर्फ यही है कि प्रेजेंट वाले में प्रेजेंट टाइम को शो करता है और पास्ट वाले में वह टाइम जो पहले समाप्त हो चुका है। तो दोनों क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ध्यान दें कि कंटिन्यू मतलब जो कुछ समय पहले शुरू हुआ और अभी चल रहा है। तो यहां देख रहे हैं
कि इसका पहले सबसे स्ट्रक्चर जो मैं टेंस में पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी अब हमें ये देखना है कि कौन से पैटर्न में वाज और वेयर के साथ वी फोर का प्रयोग करना होता है। तो चलिए इसे हम समझते हैं कुछ रूल्स के सहायता से। आपका दिया गया रूल नंबर वन, दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां कर आपका कंटिन्यूड वर्क इन पास्ट टाइम। कल मैंने आपको बताया था कंटिन्यूड वर्क इन प्रेजेंट टाइम, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस का था। आज क्या बता रहा हूं कि कंटिन्यूड वर्क इन पास्ट टाइम, यानी वैसा काम जो पास्ट टाइम में शुरू हुआ और चलता रहा, मतलब लंबे समय से नहीं, शॉर्ट ऑफ टाइम। तो छोटे समय से जो लगातार चलता रहा हो उसे क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूड वर्क। जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि दे वेयर रीडिंग ए नोटिस, वे लोग नोटिस पढ़ रहे थे। इट मीन्स कि इट इज डोनेटेड इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड नॉट ए लॉन्ग टाइम बट इट इज अ शॉर्ट टाइम। तो क्या हो गया कि दे वेयर रीडिंग ए नोटिस, तो दे वेयर यहाँ पर रीडिंग ए नोटिस दिया गया, रीडिंग ए नोटिस, तो यहाँ क्या देख रहे हैं वेयर। इट मीन्स कि इट इज डोनेटेड एज पास्ट कंटिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं नंबर सेवन, जो कि पास्ट का परफेक्ट होता है। तो हेडिंग क्या होगी आपका कि यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट की जानकारी मैं आपको पिछले क्लास में काफी बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से दे चुका हूं। तो जाहिर सी बात है कि पास्ट परफेक्ट में आप सीख चुके हैं कि आपका क्या चीज करना होता है, हैड प्लस भित्री। यानी अब हम ये देखेंगे कि कहां कहां पर हैड और प्लस भित्री का प्रयोग करना होगा। तो चलिए सबसे पहले आप कहां पर आ गया, रूल नंबर फर्स्ट, जिसमें दिया गया डबल सेंटेंस। आप ध्यान दें, इस पैटर्न को मैं इस तीसरी बार बता रहा हूं। फर्स्ट बार आपको मैं जब पढ़ाया टेंस तो पास्ट के परफेक्ट में यूज किया गया था। जब अभी पढ़ाया पास्ट का इंडेफिनिट का टाइम इंटेंस तो वहां बताया गया, और जब अभी पढ़ा रहा हूं पास्ट का परफेक्ट तो वही बताया गया। यानी समझ लीजिए फाइनली कि ये रूल इतना इंपॉर्टेंट है, और आए दिन अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को पूछते रहते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, कॉमन सा है, हर कोई जानते हैं। मेरे विद्यालय पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी, ऐसे और भी सारे क्वेश्चन हैं। हम चाहें तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता स्ट्रक्चर पे या पैटर्न पे। लेकिन एनी हाउ आपको ध्यान देना होगा कि जब किसी सेंटेंस में, ठीक है, इसको कह सकते हैं कि इफ इफ द गिवन सेंटेंस हैज टू पार्ट, देन द फर्स्ट पार्ट इज डिनोटेड एज पास्ट परफेक्ट विथ हैड प्लस वी थ्री, एंड द सेकेंड पार्ट इज डोनेटेड एज पास्ट इंडेफिनिट मीन्स वी टू। यानी जो काम पहले होता है उसका अनुवाद हैड प्लस वी थ्री की सहायता से पहले बनाते हैं, और जो काम बाद में होता है उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट की सहायता से वी टू से बनाते हैं। क्लियर? इस तरह के सेंटेंस में ट्रांसलेशन और फिल इन द ब्लैंक्स दोनों पूछ सकता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में पढ़े आपने, पास्ट के परफेक्ट में पढ़ा, और अभी टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं। तो इस तरह का पैटर्न तीनों सेम है, हम चाहे तो एग्जांपल अलग अलग ले सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपका दिया गया है रूल फर्स्ट में डबल सेंटेंस, यानी आपका हो गया फर्स्ट वर्ग और हो गया सेकंड वर्ग। फर्स्ट वर्ग की चर्चा करते हैं तो क्या आपका होता है, हेड प्लस वी थ्री, और इधर चर्चा करते हैं तो आपका क्या होता है, वी टू। हम चाहे तो पैटर्न को वी टू आगे और हेड प्लस वी थ्री को पीछे लिख सकते हैं, बट ध्यान ये देना होगा कि द फर्स्ट वर्ग इज ऑलवेज ऑलवेज रिलेटेड विथ हेड प्लस वी थ्री, एंड द सेकंड वर्ग इज ऑलवेज रिलेटेड विथ वी टू। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हालांकि ऐसा एग्जाम्पल मैं पहले भी बता चुका हूं और आज ही बता रहा हूं कि डबल सेंटेंस में डबल काम कैसे होते हैं। देखिए आपका जो पैटर्न दिया गया है, कह रहा है द वेल घंटी, द वेल खालिस्तान, बिफोर आई खालिस्तान द स्कूल। इसमें देख रहे हैं कि आपके कितने खालिस्तान है, दो खालिस्तान, और ऑप्शन भी दो है। वही रूल अप्लाई करना है कि अगला ऑप्शन पहले फिल इन द ब्लैंक्स के लिए और पिछला ऑप्शन दूसरे ब्लैंक्स के लिए। ओके, अब अप्लाई ये करना होता है कि कौन सा काम पहले हुआ। तो कौन सा काम पहले हुआ उसको चेक करने के लिए आप बिफोर को देखें। तो इंग्लिश के अनुसार, इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश स्ट्रक्चर, बिफोर के जस्ट पहले जो आपका पैटर्न आएगा वो ऑलवेज हेड प्लस वी थ्री होगा, और बिफोर के जो बाद आएगा वो क्या होगा, वी टू होगा। याद रहे, आपको मैं यहां पर बता देता हूं कि
सिंपल सा एक पैटर्न है आपके पास कि अगर क्वेश्चन में आपका क्या लगा रहे बी4 लगा रहे, तो बी4 के बाद क्या भरना है और बी4 के पहले क्या भरना है। तो इसकी ट्रिक को आप समझ ले कि अगर बी4 के पहले भरना है तो हमेशा क्या भरेंगे हेड प्लस V3, और बी4 के बाद भरना है तो हमेशा क्या भरेंगे V2। इस पैटर्न को आप क्लियरली याद कर लें, नोट्स कर लें, लिख लें, ताकि एग्जाम में आपका एक नंबर छूटे नहीं। कि बी4 के पहले भरना हो तो क्या भरेंगे हेड प्लस V3, बी4 के बाद भरना हो तो क्या भरेंगे V2। जैसे आप क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपका दिया गया है बी4, बी4 के पहले एक खाली स्थान यहां पर है और बी4 के बाद एक खाली स्थान यहां पर है। अब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें, इस रूल को, कि बी4 के पहले क्या आपका हेड प्लस V3, ऑप्शन आए रिंग, रिंग का आपका V3 क्या होगा रंग, RUNG, रिंग किसके साथ हेड के साथ। तो हम चाहें तो यहां पर इस तरह से नहीं कर सकते हैं हेड RUNG रंग। और क्या बताया कि बी4 के बाद ऑप्शन देखे रीच पहुंचना, तो रीच का अगर आप V2 बनाते हैं तो इसका आपका V2 क्या हो जाएगा रीच। तो आपका क्या बन गया क्वेश्चन फाइनली कि द वेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, यानी मेरे विद्यालय पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। तो क्या देख रहे हैं कि बिफोर के पहले हेड प्लस V3, अब बिफोर के बाद V2। तो चलिए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, नंबर 8, जो कि पास्ट का लास्ट है। जिस तरह से कल प्रेजेंट का बताया 4 रूल में अलग अलग उसका यूज था टाइम के साथ, उसी तरह से पास्ट में भी 4, जैसे पहला होगा आपका इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और लास्ट कौन सा बच रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चारों टेंस में, मतलब पास्ट के चारों टेंस में हम ये देखते हैं कि कहां कहां टाइम का प्रयोग किया गया और कौन कौन से कंडीशन आए तो कौन कौन सा ऑप्शन आपको बनाना पड़ता है। तो चलिए यहां पर देखते हैं, जो हेडिंग दिया गया आपका यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस तरह से मैंने आपको कल बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि द वर्क विच इज डिनोटेड एज ए लॉन्ग टाइम विद प्रेजेंट टेंस से, उसी तरह से कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम कंटिन्यूड वर्क, ठीक ना, लॉन्ग टाइम कंटिन्यूड वर्क इन द पास्ट टाइम, यानी वैसा कोई काम जो पास्ट में पहले शुरू हुआ और लंबे समय तक पास्ट में ही लगातार जारी रहा। तो ऐसे कामों के लिए क्या करते हैं हेड प्लस बिन प्लस V4 मींस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, वैसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और लंबे समय तक चलता रहा लेकिन उसके प्रेजेंट का मतलब नहीं हो। तो देखिए यहां पर आपका जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो आपका दिया गया हेड और साथ में क्या है बिन, और उसके बाद यूज करना आपको V4। ध्यान रहे अगर सिर्फ हेड हो तो V3 लगता है, लेकिन हेड के साथ बिन लग जाए तो V4 लगता है। तो चलिए इसे हम समझते हैं रूल नंबर 1 के अनुसार। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ एक ही रूल होता है, जो रूल आपका टेंस का है वह रूल टाइम एंड टेंस का है। अंतर सिर्फ यही है कि टेंस में हम चाहें तो बिना टाइम का इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन टाइम एंड टेंस में चाहें तो हेड प्लस बीन के साथ पीछे में इन लास्ट में सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर रूल नंबर 1 कि लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय से चलाया गया कोई समय, ये पुराने समय चलता रहो, कंटिन्यूड वर्क मतलब क्या पास्ट वर्क, वैसा कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में लंबे समय तक चलता रहा रेगुलर रहा, तो और साथ में क्या है सिंस और फॉर। तो जाहिर सी बात है कि सिंस फॉर आपका रहता है तो सिंस फॉर के साथ आप ये पकड़ सकते हैं कि सेंटेंस किसका है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ध्यान ये देना होगा कि वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। तो चलिए यह समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से। एग्जांपल कह रहा है कि हिज एल्डर सिस्टर हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, यानी हिज एल्डर सिस्टर क्या हो गया यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो गया और साथ में कह रहा है फॉर 2 आवर्स। आप फॉर देखिए, फॉर क्या हो गया आपको मैं पढ़ा चुका हूं टेंस में कि फॉर इज डिनोटेड एज पीरियड ऑफ टाइम मतलब इनडेफिनिट टाइम, साथ में क्या कह रहा है 2 घंटे 2 आवर्स। तो कह रहा है कि मेरी सॉरी उसकी बड़ी बहन पिछले मतलब बैक का पिछले 2 घंटों से नाचते रही थी। तो यहां क्या सीखे कि काम शुरू हुआ था 2 घंटा पहले, ठीक है, काम 2 घंटा पहले शुरू हुआ
और जो रेगुलर चलते आया कितने घंटों तक, 2 घंटों तक, लेकिन पास्ट में ही खत्म हो गया, तो क्या यूज कर दिए, हेड प्लस बिन प्लस बी फोर। तो बच्चों इस तरह से आज का जो आपका टॉपिक था कौन सा, पास्ट टेंस, कि पास्ट टेंस में टाइम का प्रयोग कैसे करना होता है, उसके टाइम के यूज करने से कौन कौन सा में क्या चेंजिंग आता है तो मैंने सीखा। तो बच्चों आप एक बात हमेशा याद रखें, ठीक है, कि समस्या का हल और मेहनत का फल, ठीक ना, समस्या का हल और मेहनत का फल कभी न कभी किसी समय पर जरूर मिलता है। तो आप समय को साथ रखें, क्योंकि टाइम इज मनी, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, हर जीव जंतु के लिए, हर मानव के लिए टाइम ही मायने रखता है। अक्सर कहते हैं कि मेरा टाइम खराब चल रहा है, मेरा टाइम अच्छा चल रहा है, इस टाइम को आप साथ रखें, आपका कल आने वाला भविष्य बेहतर होगा। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था, साथ ही साथ आपको मैं एक बात का इंफॉर्मेशन और दे दूं कि आपके फ्रेंड सर्किल में, रिलेशनशिप में, गली मोहल्ले में वैसे स्टूडेंट्स जो इस बार मैट्रिक का एग्जाम देकर पास किए हैं, तो सबसे पहले मेरी तरफ से उन सभी छात्र छात्राओं को जिस बार मैट्रिक एग्जाम दिए हैं उसके लिए वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। साथ ही साथ उनका अगला टारगेट क्या है, अगला फ्यूचर क्या है, उसके लिए मैं आप लोगों से ये बता देना चाहता हूँ कि वैसे बच्चे जो 11th का, ठीक है ना, 11th का इंटर फर्स्ट ईयर का इंग्लिश की पढ़ाई करना चाहते हैं, इंग्लिश का सिलेबस जानना चाहते हैं, इंग्लिश के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो कल से, ठीक है, कल से मेरे इसी चैनल पे, सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल चैनल पे आपका 11th का क्लास शुरू होने वाला है। तो वैसे आपके फ्रेंड या वैसे रिलेशन या वैसे गली मोहल्ले में बच्चे या बच्चियां जो आपसे रिलेटेड हैं, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो आप उन बच्चों को बताएं जो इस बार 10th का एग्जाम पास किए हैं कि कल से उनका इंग्लिश का 11th का क्लास, ठीक है, इंटर का फर्स्ट ईयर क्लास शुरू होने वाला है। तो बच्चों मैं चाहता हूं कि जब आप मेरे पढ़ाई को फायदा उठा सकते हैं तो आप भी अपने छोटे भाई बहन, अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में बताएं, साथ ही साथ उसे यह बताएं कि पढ़ाई का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या पढ़ना होता है। तो वैसे बच्चे जो 11th से पढ़ना चाहते हैं कल से मेरे चैनल से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरा हर वीडियो, हर क्लास का लेक्चर आपको जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि 12th के साथ साथ जो 11th के बच्चे हैं वो भी पढ़ाई को एंजॉय कर सके। जब तक के लिए दैट्स ऑफ ऑल एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।